नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का मेरे इस YouTube चैनल में। मैं रितेश कुमार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सभी जितने आंगनबाड़ी बहन हैं उन सभी को पोषण ट्रैकर ऐप की अब ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग कैसे दी जाएगी, जैसे कि CSC के माध्यम से, CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से आप सभी को ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप लोग देख पा रहे हैं बिहार का ये लेटर आया हुआ है और इस लेटर के जरिए मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग की शुरुआत हो चुकी है, उसका न्यूज़ भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो चलिए, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मैं इस प्रकार से आप सभी के लिए नया नया जानकारी लाते रहूँ। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। तो और जो भी लोग नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल का बटन ज़रूर सेलेक्ट करें। तो जैसा कि आप सभी लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये बिहार सरकार ICDS निदेशालय की तरफ से ये लेटर जारी हुआ है। इस लेटर का संचिका संख्या है 2904, जो कि दिनांक 12/6/2021 को ये प्रकाशित हुआ था। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को ये लेटर जारी हुआ है और विषय में देख सकते हैं यहाँ पे पोषण अभियान अंतर्गत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर प्रशिक्षण के संबंध में। जी हाँ, पोषण अभियान अंतर्गत जो पोषण ट्रैकर ऐप है उसी के प्रशिक्षण के यानी कि ट्रेनिंग देने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। आशय उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर आंगनबाड़ी सेविकाओं के द्वारा अपने पोषक क्षेत्र के सभी लाभुकों को जोड़ते हुए सेवाएँ प्रदान की जानी है। इन कार्यों का अनुसरण पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड के माध्यम से प्रत्येक स्तर राष्ट्रीय, राज्य, जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर 97% सेविकाओं द्वारा लगभग 94% लाभार्थियों यथा गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 0 से 3 साल, 3 से 6 साल के बच्चे, किशोरावस्था वाले लड़के लड़कियों एवं अनाथ बच्चों को जोड़ा जा चुका है। भारत सरकार के प्रासंगिक पत्र से प्राप्त निर्देश के अनुसार पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन पर सेविकाओं का प्रशिक्षण एवं पोषण ट्रैकर से संबंधित संपूर्ण जानकारी तकनीकी सहायता CSE, यहाँ पर देख सकते हैं CSE कॉमन सर्विस सेंटर विलेज लेवल इंटरप्रेनरशिप यानी कि CSE VLE जो जिसको बोलते हैं, टीम के प्रतिनिधि द्वारा उपलब्ध कराई जानी है। CSE टीम द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा कर सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जाना है। साथ ही वैसे CSE केंद्र जहां 15 से 20 सेविकाओं के बैठने की उचित प्रबंध हो, वैसे CSE केंद्रों पर कोविड से बचाव के सभी नियमों का पालन करते हुए सेविकाओं का सेक्टर वार प्रशिक्षण कराया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जिस CSE सेंटर में 15 से 20 सेविकाओं का बैठने के लिए उचित प्रबंध हो और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए सभी सेक्टर वार यानी कि जितने भी सेक्टर हैं उनको अलग अलग सेक्टर में प्रशिक्षण कराया जा सकता है। यहाँ पे आगे देख सकते हैं, उक्त प्रशिक्षण हेतु कार्य योजना संलग्न कर भेजी जा रही है, जिसके अनुसार सेविकाओं का प्रशिक्षण कराया जाना है। साथ ही सेविकाओं के द्वारा प्रशिक्षण के दौरान रियल टाइम में, यहाँ पे देख सकते हैं, रियल टाइम में पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में सभी प्रकार के लाभुकों का एक एक प्रतिवेदन भरा जाएगा, जिसे डैशबोर्ड पर देखा जाएगा। यानी कि जब आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा उसी टाइम में आपके जितने भी लाभुक हैं उन सभी का डिटेल्स वहीं पे आपको भर भर के सिखाया जाएगा, जो कि डैशबोर्ड पर भी देखा जाएगा। प्रशिक्षण की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य जिला एवं परियोजना स्तरीय टीम द्वारा प्रशिक्षण स्थल का दौरा कर निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जहाँ पे ये प्रशिक्षण दिया जाएगा वहाँ पे राज्य जिला एवं परियोजना स्तरीय टीम द्वारा प्रशिक्षण स्थल का दौरा कर यानी कि जहाँ पे आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है वहाँ उनके निरीक्षण करने के बाद प्रतिवेदन निदेशालय को उपलब्ध करा दिया जाएगा। अतः निर्देशानुसार अनुरोध है कि
उक्त कार्य योजना के अनुसार निर्धारित तिथि को सेविकाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण पूर्ण कराएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम का सघन अनुसरण कर प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय भेजना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कार्य योजना के अनुसार निर्धारित तिथि को सेविकाओं का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कराएं और प्रशिक्षण का सघन, यानी कि अभी निर्धारित तिथि यहाँ पे नहीं दी गई है कि किस तारीख को आपके प्रखंड में CSC के माध्यम से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आगे किस राज्य में आंगनबाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उस न्यूज़ को भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए चलते हैं आगे न्यूज़ की ओर। तो यहाँ पे आप सभी देख पा रहे होंगे ये झारखंड से न्यूज़ है, आंगनबाड़ी सेविकाओं को मिला पोषण ट्रैकर का प्रशिक्षण। तो जी हाँ, झारखंड में पोषण ट्रैकर ऐप का जो भी ट्रेनिंग है उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान की तरफ से ये खबर प्रकाशित हुई थी। तो ये एक प्रखंड है जहाँ पे पोटका प्रखंड पड़ता है, वहाँ पे केंद्र सरकार के निर्देश पर आयुष संजीवनी केंद्र के संचालक द्वारा पोटका प्रखंड की सभी पंचायतों के आंगनबाड़ी सेविकाओं को पोषण ट्रैकर ऐप का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। शुक्रवार को जुड़ी पंचायत के आंगनबाड़ी केंद्र में 10 आंगनबाड़ी सेविका दीदी इस ऐप के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। कॉमन सर्विस सेंटर एवं आयुर संजीवनी सेंटर के संचालक मृणाल कांति पाल ने कहा कि पंचायतों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में आंगनबाड़ी जो ये नाम दिया गया है आंगनबाड़ी, सभी आंगनबाड़ी का यहाँ पे वो लोग शामिल थी और उन्होंने अपना प्रशिक्षण वहीं से प्राप्त किया। तो आप सभी को भी अपने निकटतम CSC केंद्र के द्वारा आप सभी को भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो आप सभी लोग तैयार रहिए अपने प्रशिक्षण के लिए। जिन लोगों का अभी पोषण ट्रैकर ऐप में काम बाकी है तो वो लोग अपना प्रशिक्षण लेके आप लोग अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो आज का ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।